मैं पानी लाऊं तुम्हारे? नहीं नहीं ठीक हूँ। ये तुम्हारा कैमरा ठीक हो ना? देखा आप लोगों ने, इस परिवार पे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, जो अपना सब कुछ खो कर भी आपके सामने खड़े हैं, आपसे पानी पूछ रहे हैं। अगर इनमें इंसानियत बची हुई है, आप लोग क्यों नहीं दिखा रहे? सिंपल सी फैमिली है जो बहुत बड़ी ट्रेजेडी से गुजर रही है, अगर आप इनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम इन्हें परेशान तो मत कीजिए प्लीज। जो आपके लिए सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज है ना, वो असल में एक परिवार है, इसलिए प्लीज इन्हें न्यूज नहीं इंसान समझिए। और ड्रग्स का जो केस है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए आप लोग मीडिया ट्रायल करके अपना नतीजा मत बनाइए। बहुत मुश्किल वक्त से ये लोग गुजर रहे हैं, इसलिए कृपया करके इन्हें अकेला छोड़ दीजिए प्लीज, समझने की कोशिश कीजिए। चलिए बेटा, अपने घर में नहीं आओगे? देर भी आते आते हमारा बालक हमें और इस परिवार में सबको पहचान लेगा, उसके बाद तेरी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इस घर में। अब हमें मैत्री हमारे घर में नहीं चाहिए, इसे जहां जाना हो चली जाए यहां से। मैत्री, हमारी बहू और पोता कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है चाची जी, आज ना छोटू तिवारी का रेगुलर चेकअप है, डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और फाइल यही थी, इसीलिए मुझे आना पड़ा। आप लेकर आएंगी प्लीज? हाँ हाँ अभी लाती हूँ। बेटा ये फाइल के साथ साथ ना ये गर्दन भी लेके जाना बेटा। हाँ। और हमारे पोते के हाथ में बांध देना, भगवान उसको बुरी नजर से बचाए। बेटा, पंडित जी ने आज का दिन रखा था हमारे पोते के नामकरण के लिए, लेकिन बच्चा ही नहीं है तो कैसा नामकरण? कुसुम जी, एक बार आशीष आ जाए, बहू ठीक हो जाए, बच्चा घर में आ जाए, उसके बाद इन सब के बारे में सोचेंगे। चाची जी, नंदू और बेबी के लिए तो मैं एक टांग पर खड़ी हूँ और हमेशा रहूंगी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उनकी सारी खबर मैं आपको देती रहूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ, आप लोग अपना ध्यान रखना। मैत्री बेटा, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, हम समझ सकते हैं। पर बेटा छोटी सी विनती है, अपने मन में कभी भी हमारे लिए बैर मत रखना बेटा, इस परिवार ने अनजाने में भी कभी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं चाहा बेटा। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।